शाजापुर जिले की सलसलाई पुलिस को लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों ने होमगार्ड पर हमला कर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। कल रात 9:30 बजे के करीब की घटना है। गोदना गांव से आगे सारंगपुर तरफ जाते हैं, मेन रोड हाईवे की घटना है। हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट के मोहन सिंह होमगार्ड सैनिक हैं, जो आगर में तैनात हैं, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल से फिसल कर गिर गए थे। तो वो उनके इलाज के लिए कुछ रुपए लेकर और सारंगपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में 3 अज्ञात लोग मिले जो मोटरसाइकिल लेकर खड़े हुए थे। उनमें से एक ने उनको मादरचोद बोल के रोका, तो वो डर भय के कारण नहीं रुके, तो उसके आगे जो खड़े थे उसने उनके सिर पर लठ मार दिया। तो वो डर के कारण वहाँ से आगे जाकर उन्होंने गाँव वालों को सूचना दी कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तो गांव वालों ने 900 गाड़ी बुलाई, सभी लोग मौके पर पहुंचे, इनको दोनों को वहां से पकड़ लिया। इनमें एक रूप सिंह पिता रमेश भी वहां मौके से भाग गया और दो लोग, ये हाजीपुर गांव के रहने वाले हैं तीनों, उसमें से दो लोग मौके पर पकड़ में आए, उसमें एक कार्तिक और दूसरा रूप सिंह, दोनों माली समाज के हैं। ये तीनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं, इनका रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। तो संभवतः सारंगपुर में कुछ रिकॉर्ड हो इनका, और ये लूट की मंशा से वहाँ खड़े हुए थे हाईवे पर, और ये घटना पारित हुई। सर, और किसी लूट को अंजाम देने का इसने खुलासा किया या नहीं? अभी और पूछताछ की जा रही है, संभावना है कि दिगर थाना क्षेत्र में भी इन्होंने ऐसी घटना घटित की होगी लूट वगैरह की। सर, पुलिस द्वारा रिमांड मांगे जा रहे हैं? हाँ, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में घटना स्थल पर जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है, दो लकड़ियाँ लाठी बड़ी वाली जब्त की गई है, और इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा।